नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अपने रिजल्ट पेश कर दिए, उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है क्योंकि मार्केट आवर में रिजल्ट आए हैं। 1.5% की गिरावट सडनली नीचे आ गया था और 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखिए तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है 1%, और 1 माह में भी 1% नेगेटिव है कंपनी, और 6 माह में देख सकते हैं 31% के पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 29% तक अच्छे रिटर्न दिए हैं। 5 साल का देखें तो 319% तक अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिए कंपनी ने, और मैक्सिमम डाटा देखें तो 779% तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी 2011 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तो चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो फिगर जो दिए वो मिलियंस में दिए हुए हैं। पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पिछले साल का देखे तो 26,044 था, पिछले क्वार्टर में 31,044, और अभी देख सकते हैं 29,558। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ किया लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। टोटल इनकम देख लेते हैं, टोटल इनकम किस प्रकार है। पिछले साल 26,068 था, पिछले क्वार्टर में 31,189, और अभी देख सकते हैं 29,634। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है टोटल इनकम में। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे किस प्रकार रहे, टोटल एक्सपेंसेस। तो पिछले साल के खर्चे देखें तो 14,553, पिछले क्वार्टर में 17,338, और अभी देखते हैं 16,535। ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है खर्चों में। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, तो पिछले साल का प्रॉफिट था 8,576 मिलियंस में है आंकड़े, 10,237, और अभी देख सकते हैं 9,785। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, एक स्टेबल भी बोल सकते हैं इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर को, ज़्यादा अंतर नहीं है प्रॉफिट में। ईपीएस देख लेते हैं, पिछले साल का ईपीएस था 21.28, पिछले क्वार्टर का 25.42, और अभी देख सकते 24.37। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।